हेलो एवरीवन, ये काइनेमैटिक्स से रिलेटेड लेक्चर है। अब टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये कोई बॉडी है ए वेलोसिटी से चल रही है और ये कोई बॉडी जो ये कोई बॉडी बी है, ये ए है, इसकी वेलोसिटी है बी, तो किसी एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब है ए की वेलोसिटी कितनी होगी जब बी देखेगा। तो हम देखते क्या है कि जब मोशन में होते हैं दो चीज, या फिर एक की वेलोसिटी कुछ है दूसरे की वेलोसिटी कुछ है, तो अगर एक दूसरे को देखता है तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें दूसरी ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती, वी ए माइनस वी बी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम माइनस कर देते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आता, वी ए माइनस वी बी। किधर है, निगेटिव साइड में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव, तो हमारा वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं और ये सब वेक्टोरियली ऐड होती हैं। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मानना होता है, तो जैसे हम ए था और बी था, तो हम क्या देख रहे थे, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या मानेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रेस्ट में मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा नीट 2017, क्वेश्चन है प्रीति रीच्ड मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वॉज not working, she walked up the stationary escalator in time t1 on other days if she remains stationary on the moving escalator, then escalator takes her up in time t2, find time taken by her to walk up on the moving escalator will be. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रीति रीच्ड मेट्रो स्टेशन
एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वॉज नॉट। मेट्रो स्टेशन पहुंची और जो एस्केलेटर था, जो हमारे सीढ़ियाँ, जो चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, वो वर्क नहीं कर रही हैं। तो वो क्या करेगी, स्टेयर्स को धीरे धीरे चढ़ेगी। तो जब वर्क नहीं कर रही है तो खुद ही इसके ऊपर चलते चलते जाएगी। तो शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। तो जब ये रुका हुआ था तब इसको यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, T1 टाइम हो गया T1। और क्या, ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन। अब बाकी दिन में क्या होता है, बाकी दिन में अपना एस्केलेटर जिस दिन काम कर रहे होते हैं तो वो रेस्ट में रहती है, और रेस्ट में जब रहती है मूविंग, तब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तब टाइम लग रहा है T2। तब यहाँ पे टाइम लग रहा है T2। फाइंड द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब थर्ड है कि हमें कब निकालना है टाइम, जब इसी चलते हुए एस्केलेटर में वॉक करना चालू कर दे। ये भी मूव कर रहा, प्रीति भी मूव कर रही है, तब हमें टाइम निकालना है। सपोज T लग रहा है टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कोई रेफरेंस मानेंगे, तो रेफरेंस अभी क्या है, ये एस्केलेटर मान लिया। तो विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्रीति की स्पीड निकाल लेते पहले, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर तो कितनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या मान लें, एक्स मान लें, लेट डिस्टेंस बी एक्स। डिस्टेंस हमने, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है एक्स, टाइम लग रहा है T1। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अब एस्केलेटर की, अब प्रीति तो रेस्ट में है और एस्केलेटर मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितनी है, डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे टाइम लग रहा है T2, एक्स अपॉन T2 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। तो ये जो थर्ड केस है, ये जो थर्ड केस है, इसमें प्रीति भी ऊपर जा रही और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, ये तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर आ गया VP माइनस VE, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब हमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दे, x अपॉन T1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति आ गई डिस्टेंस अपॉन, ये टाइम हो गया T, तो इसको रख दें x अपॉन T माइनस ये आ गया x अपॉन T2। तो ये आ गई हमारी गवर्निंग इक्वेशन, इससे हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, x अपॉन T1 इक्वल टू x अपॉन T माइनस एक्स अपॉन T2, एक्स एक्स कैंसिल, 1/T1 प्लस 1/T2 इक्वल टू 1/T। तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 T2 अपॉन, ऊपर आ जाएगा T1 प्लस T2, तो कितना टाइम लगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करना जरूरी है, किसी एक को रेफरेंस फ्रेम ना आनेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटीज को या टाइम को जो भी देखना है
पहले वेलोसिटी निकाला, फिर हमने टाइम निकाल लिया। जैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं उसी तरह एक्सेलरेशन भी डिफाइंड है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सेम डायरेक्शन है, सेम वही केस, वैसे डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीट का। क्वेश्चन है नीट 2009, बस मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at 1 kilometer from scooter with what speed scooterist chase the bus moving with speed 10 meter per second on a straight road. तो ये suppose हमारी bus है और स्ट्रेट रोड में चल रही है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक, स्कूटर वाला उसे इस बस को ओवरटेक करना चाहता है इन 100 सेकंड, कितने टाइम में, 100 सेकंड। अब यहाँ पे पहले देख लेते स्कूटर वाला है कहाँ, वो हमें पता चलेगा इससे। इफ द बस इज एट 1 किलोमीटर फ्रॉम स्कूटर, तो स्कूटर से ये बस है अगर, तो स्कूटर हमारा, ये स्कूटर है तो स्कूटर 1 किलोमीटर पीछे है। 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। स्कूटर हमने एस से डिनोट किया है, बस हमने बी से डिनोट किया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें दी गई है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर की। अब हमें निकालना विद व्हाट स्पीड स्कूटर्स चेज दी बस। क्वेश्चन में हमारा क्या था, स्कूटर है बस को चेस कर रहा है, बस को ओवरटेक करना चाहता है 100 सेकेंड में। तो सपोज करते हैं इन 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड में बस सपोज यहाँ पे आ गई, और स्कूटर ने भी क्रॉस कर लिया, तो स्कूटर भी यहीं पे आ गया, जस्ट क्रॉस किया। तो स्कूटर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बस के लिए क्या हो गया, फॉर बस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है 100 सेकेंड, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1000 मीटर्स। x की वैल्यू हमारी निकल आए। अब फॉर स्कूटर कितना डिस्टेंस है, 1000 प्लस x, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू कितना टाइम लगा था, 100 सेकेंड टाइम लगा था। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1000, इसको सिंपली रख देंगे। थाउजेंड प्लस 1000 इक्वल टू वी एस इंटू 100, 1000 प्लस 1000 2000 अपॉन 100,
तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये आंसर हो गया।